हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप थंबनेल देख के समझ गए ही होंगे कि तत्काल टिकट बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप नॉर्मल टिकट बुकिंग करके आप कंफर्म टिकट ले सकते हैं, वो चाहे एक दिन पहले या दो दिन पहले। अगर आपको ट्रेन में ट्रेवल्स करना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आप एक से दो दिन पहले अगर आप तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाते तो हमारे इस ट्रिक से आप इजीली कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। इसके पहले भी मैं दो तीन वीडियो बना चुका हूँ मतलब इससे रिलेटेड, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं क्या कि मतलब लक का बात होता है, ये जो आपका टिकट कंफर्म हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ लक का बात है, मैं एकदम 100% श्योर हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस है। आज का नहीं, मतलब कम से कम हमारा ये तकरीबन 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों को लाइव बुकिंग करके दिखाता हूँ। ये नहीं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो आप लोगों को बस ऐसे ही बता देते हैं, कह देते हैं कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन मैं आप लोगों को लाइव बुकिंग करके दिखाता हूँ, टिकट कन्फर्म करके दिखाता हूँ, वेटिंग टिकट बुक करके दिखाता हूँ। हमारा आप जाके यूट्यूब चैनल में हमारा टोटल आप जाके प्ले लिस्ट चेक करिएगा, ज़्यादातर वीडियो मैं लाइव ही बनाता हूँ, लाइव ही आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, मेरा टॉपिक इस पे है कि अगर आप कंफर्म टिकट बुक करना चाहते हैं तो कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी रूट क्यों ना हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले, जैसे मान के चलिए आप जिस भी बोर्डिंग स्टेशन, जिस भी स्टेशन से आप ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, ठीक है, उस स्टेशन पर कोई भी लॉन्ग दूरी की मतलब कोई गाड़ी आने वाली है, कोई लॉन्ग दूरी की, ठीक है, और वो आपका स्टेशन छोटा मोटा स्टेशन है, ठीक है, तो वो बड़ा स्टेशन नहीं है, तो आपके स्टेशन से आगे कोई बड़ा स्टेशन है, ठीक है, तो आप वहाँ मतलब आप जहाँ से ट्रेन में उठने वाले हैं वहाँ से टिकट बुक करिए, और वहाँ से टिकट बुकिंग करने के बाद अपने आगे में अगर कोई बड़ा स्टेशन है तो आप वहाँ का बोर्डिंग पॉइंट डाल के आप छोड़ दीजिए, आपका टिकट 100% कन्फर्म होगा। ये मैं आप लोगों को 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करके हर रोज़ टिकट कन्फर्म करता हूँ। मैं एक ट्रेवल का एजेंट भी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। मैं रेगुलर टिकट बुकिंग करता हूँ, और रेगुलर मैं एक दो दिन बीच लगा के आप लोगों को टिकट बुकिंग करके भी दिखाता हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों को दो टिकट बुकिंग किया हूँ, 25 तारीख और 26 तारीख का, और दोनों में एक दिन पहले ही बुकिंग किया हूँ। सभी लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं एक दिन पहले, फिर भी वो तत्काल टिकट नहीं मिलता है, पैसा वैसा भी कट जाता है, फिर दो दिन तीन दिन चार दिन का वेट करना पड़ता है पैसा रिफंड लाने के लिए। लेकिन आपको तत्काल का मगजमारी करना ही नहीं है, तत्काल के पीछे भागना ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग तत्काल के पीछे चले जाते हैं, इसीलिए ये ट्रिक को फॉलो नहीं कर पाते, या उनको पता नहीं होता है कि टिकट ऐसे भी कन्फर्म होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को टिकट दिखा देता हूँ, जैसे कि माई बुकिंग में आप अपना IRCTC का ऐप ओपन कर चुका हूँ, ओपन करने के बाद आपको माई बुकिंग ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप इसमें देखिए, मैं 24 तारीख का डेट में देखिए बुक ऑन देखिए दिखा रहा है 24 जून 2023 और 24 जून 2023। मैं 24 तारीख को ही दो ट्रेन का टिकट बुक किया हूँ, ठीक है। एक ASR हावड़ा मेल दिखा रहा है, नीचे में आप देखिए 13006, एक DDN हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस दिखा रहा है 12370, और दोनों में देखिए एक आरा टू हावड़ा का बुकिंग है और एक बक्सर टू हावड़ा का बुकिंग है, ठीक है। एक 25 तारीख का है तो एक 26 तारीख का बुकिंग है, दोनों अलग अलग डेट का बुकिंग है, ठीक है। तो एक्चुअली बात यह है कि अमृतसर हावड़ा मेल में जो बुकिंग किया हूँ इसमें मैं तत्काल टिकट बुक कर रहा था, ठीक है, लेकिन तत्काल बुकिंग नहीं हुआ, तत्काल नहीं हुआ, तो लास्ट में मेरे को अपना ये ट्रिक यूज़ करना पड़ा। तो इसको एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि इसको मैं अमृतसर हावड़ा मेल जो कि मैं 24 तारीख को बुकिंग किया था 25 तारीख के लिए, जैसे कि देखिए आप जो मैं बुकिंग किया था तो इसमें RLWL 41 मेरा करंट स्टेटस शो हो रहा है, इतना ही था, ठीक है। ये आप देखिए इसमें शो हो रहा है मेरा बक्सर से टिकट था, मैं पटना बोर्डिंग पॉइंट डाल दिया हूँ, क्योंकि बक्सर के आगे पटना ही एक बड़ा स्टेशन है, ठीक है। और ये जो गाड़ी है अमृतसर जंक्शन से आती है, लॉन्ग दूरी डिस्ट मतलब तय करती है ये। तो अब इसका करंट स्टेटस आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए करंट स्टेटस, आप देखिए CNF हो गया है B5 में 25 लोअर बर्थ, ठीक है। तो आपको मैं ये तो दिखा दिया, ठीक है, ये मेरा क्या किए थे हम बक्सर से लेके हावड़ा तक का टिकट बुकिंग किए, पटना बोर्डिंग पॉइंट डाल दिए, ठीक है। और सेम आपको एक यही थर्ड AC का एक टिकट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि बक्सर से हावड़ा डायरेक्ट किया गया था, मैं खुद बुक किया था, लेकिन आप लोगों को लाइव दिखाने के लिए बुक किया था, वो मेरा टिकट वेटिंग ही रह गया है चार्ट लगने के बाद, क्योंकि वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, और अपना वो भी PNR नंबर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देखिए PNR इंक्वायरी पे मैं गया, ठीक है, पहले तो मैं वो दिखा देता हूँ जो मेरा टिकट जो कंफर्म हुआ था, जो B2 में 25 नंबर, जैसे कि आप देखिए करंट स्टेटस दिखा रहा है इसमें B2 में 25, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बक्सर शो हो रहा है, यहाँ पटना टू हावड़ा शो हो रहा है, ठीक है, आप देख लिए थर्ड AC में। और हमारा वेटिंग लिस्ट कितना था, तो वो तो आपको पता ही है कि मेरा वेटिंग लिस्ट कितना था, 41 RLWL था, ठीक।
अब आपको मैं दिखाता हूँ 25 तारीख के डेट में ही मैं बक्सर से लेके हावड़ा तक किया था, सेम उसी टाइम समय मतलब 25 मिनट बाद मैं बुकिंग किया था। तो उसमें देखिए मेरे को वेटिंग लिस्ट मिला था आपका लगभग 45, ठीक है, बक्सर टू हावड़ा। उसमें मैं बोर्डिंग चेंज नहीं किए थे तो देखिए उसका वेटिंग मतलब चार्ट लगने के बाद मेरे को कन्फर्म सीट नहीं मिला। ये देखिए चार्ट प्रिपेयर शो हो रहा है, इसमें देखिए बक्सर टू हावड़ा डायरेक्ट बुकिंग हुआ है थर्ड एसी में, इसमें मैं कोई बोर्डिंग चेंज नहीं किया हूँ। इसमें देखिए RLWL 19 करेंट स्टेटस शो हो रहा है, मतलब हम इसको बुकिंग किए थे 45 के लगभग में और ये 19 पे आके रुक चुका है, चार्ट प्रिपेयर हो सका है। तो जैसे कि आप लोगों ने देख चुके होंगे कि हम किस तरह से टिकट बुकिंग करके कन्फर्म करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, और ये जो बुकिंग किए थे जस्ट आप लोगों को यही डेमो दिखाने के लिए किए थे कि ऐसा नहीं होता है, लक का बात नहीं है। अगर आप अपना खुद से टिकट बुकिंग करते हैं, थोड़ा बिलीव करते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए आप लोग बोल देते हैं कि लक का बात है, लेकिन लक का बात नहीं है। अगर आप टिकट बुकिंग करना सीख जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगा टिकट कन्फर्म करने में। ऐसे ही एक और दिखा देता हूँ, जैसे कि देखिए ये मैं 26 जून के जो मैं बुकिंग किए हूँ आरा टू हावड़ा, इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें भी सेम केस किए हैं, आरा से बुकिंग किए हैं, आरा नॉर्मल स्टेशन है, इसको पटना में हम बोर्डिंग पॉइंट डाल के छोड़ दिए हैं। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें देखिए दो पैसेंजर्स है जिसमें 45 और 46 इसका RLWL वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। स्लीपर क्लास का ये टिकट बुकिंग है, ये एसी का नहीं है, ये स्लीपर का बुकिंग है। ये भी मैं 24 तारीख का डेट में ही किया था। इस ट्रेन का भी अभी तक चार्ट नहीं लगा है लेकिन हमारा सीट कंफर्म हो चुका है, ठीक है। और ये 26 जून का टिकट है, और ये आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आज 25 जून है, 25 जून को ही मेरा टिकट कंफर्म हो गया है। 26 जून का इंतजार नहीं करना होगा कि ट्रेन का चार्ट लगेगा तो मेरा सीट कंफर्म होगा तो मैं ट्रेन में ट्रेवल्स करूँगा, ठीक है। और 45, 46 RLWL यदि कंफर्म नहीं होता आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो अब इसका मैं करंट स्टेटस आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे करंट स्टेटस मैं क्लिक कर दिया, इसके बाद देखिए S2 में 12 नंबर और S2 में 33 नंबर देख लिया, देखिए इसमें शो हो रहा है S2 में मेरा 100% कन्फर्म सीट मिल गया। अभी चार्ट लगने से पहले देखिए चार्ट नॉट प्रिपेयर, यहाँ पे चार्ट नॉट प्रिपेयर भी शो हो रहा है। सेम इसी तरह से आप भी इजीली टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टिकट बुकिंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई असुविधा होता है, तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करें, हमको मैसेज करें, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूंगा ताकि आप लोग भी कंफर्म टिकट बुक कर सके, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने लाइव डेमो दिखा दिया, शायद ऐसा बहुत सारे ऐसे कम ही यूट्यूबर होंगे जो आप लोगों को लाइव टिकट बुकिंग करके दिखाते होंगे, प्रूफ करके दिखाते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये आप देखिए इस तरह से टिकट 100% कन्फर्म बुकिंग होता है और आप भी बुकिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को हमारा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।